केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से दावेदारों की एक लंबी सूची पार्टियों को मिली है। इसी के चलते उत्तराखंड कांग्रेस को भी केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदारों ने पत्र दिए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी को 12 से 13 लोगों के आवेदन मिले हैं। केदारनाथ में 3 अलग अलग सर्वे कराए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जा रही है। वहीं अभी भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, कांग्रेस की उस पर भी नजर है, क्योंकि राजनीति में इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है। दोनों पार्टी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। उन्होंने 24 मार्च तक टिकट पर स्थिति साफ करने की बात कही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कई मुद्दों पर चर्चा हुई जो ऑन कैमरा भी कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कैंडिडेट्स को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं, और 24 तारीख को दिल्ली में एक फिजिकल बैठक है, जिसमें हमारे प्रभारी जी, दोनों सह प्रभारी प्रगट सिंह जी और आदरणीय शर्मा साहब, CLP लीडर आदरणीय यशपाल आर्य जी, मैं और चारों पर्यवेक्षक और आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय गणेश बुदियाल जी उसमें सम्मिलित रहेंगे, और एक विस्तृत चर्चा के बाद जो भी निर्णय हो वो आप तक साझा किया जाएगा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है, और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि BJP भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है, और वहाँ भी कैंडिडेट्स हैं और राह चल रही है, तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपना स्टेप लेगी।